दोस्तों, मैं ज़िया मुजाहिद एक बार फिर एक और ट्रैवल ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मंसूर भाई, सफदर भाई और शायान, एक साहब भी मिसिंग है, वो भी हमारे साथ जाएंगे। देखते हैं कि आज हमारी मंजिल क्या है। हमारे साथ रहिएगा। साइकिल के ऊपर एक आइसक्रीम वाला ही मिल गया और हम सारे मिल के यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं, मटका आइसक्रीम भी यहाँ की। अच्छा, एक और साहब जिनका मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, वन एंड ओनली पाकिस्तान के नेशनल ज्योग्राफर कहे हैं आप इनको, जनाब मोबी भाई, तो ये भी आज हमारे साथ होंगे। नेचुरल माहौल में लगे हुए जो डॉर्फ ट्रीज़ होते हैं, जो नामुवाफिक हालात की वजह से अपने ही सर्वाइवल को रखने के लिए अपना कद ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते और कुदरती तौर पे छोटे रह जाते हैं, उसकी एक एग्जांपल आपके सामने कॉमीफोरा की वैरायटी है। आप देखें इसको कि ये किस तरह चट्टान के अंदर जो है वो लगाया गया है। ये चट्टान के अंदर कुदरती तौर पर इसका बीज लगा होगा, उसके बाद ये इस तरह बॉन्साई बन गया। तो बॉन्साई की लैंग्वेज में, जापानीज़ में इसको जो है यामाडोरी कहा जाता है, और यामाडोरी वो कुदरती दरख्त होते हैं जिनको हम वाइड से निकाल कर पॉट्स में लगाते हैं, और वो एक मास्टरपीस हमारे पास नेचुरली जो है। जंगल हंटिंग के लिए हम पहाड़ की चोटी की तरफ रवा दवा हैं। सफदर भाई, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला यार, इतने दरख्त लगे हैं आपके पीछे, आप कह रहे हैं कुछ बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत दरख्त आ रहे हैं आपके, लेकिन साइज जब इनके करीब जाते हैं तो कुछ बड़ा होता है। दूर कहीं हमें दो हंसों की जोड़ी नजर आई, हम इनको जूम करते हैं। ये कैनाल हब रिवर की, हब डैम की वो कैनाल है जिसका पानी कराची को सप्लाई होता है, क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्रॉम हब डैम। और ये कुछ मकामी अफराद आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे बैठ के फिशिंग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
वंस अगेन हब कैनाल जो कराची को पानी सप्लाई करता है। डैम के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं और कुदरत का खूबसूरत नज़ारा आप देखें कैमरे की आंख से, और ताहदे निगाह आपको यहाँ पर सिर्फ साफ़ सुथरा मीठा ठहरा हुआ पानी नज़र आएगा। और ये पीछे पहाड़ों से बलूचिस्तान की बारिशों का पानी जो यहाँ पर स्टोर किया जाता है, और इस वक्त भी ये डैम अपनी मैक्सिमम सतह पर नज़र आ रहा है। इसकी दूसरी जानिब आपको बिल्कुल खुश्की नजर आएगी। अब डैम और मेरे अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको पानी नजर आ रहा होगा, और उसके दूसरी साइड पर गहरी खाई नुमा जो जगह है ये वो नेचुरल वाटर रिवर है जिसको के रोका गया है ये डैम बनाकर और पानी को स्टोर किया गया। तो एक तरफ बिल्कुल ह्यूज झील नुमा पानी जमा हो गया और दूसरी तरफ बिल्कुल ड्राई है। ये हब डैम का एक स्पिलवे है जो कि लग रहा है कि काफ़ी अरसे से बंद है, क्योंकि पानी का यहाँ पे इनटेक जो है वो नहीं है, और वहाँ से आप देखें तो रास्ता बंद किया हुआ है। और स्पिलवे के गेट ये लोहे के लगे हैं, इट्स अबाउट 100 फीट अबव फ्रॉम द डेड लेवल। यहाँ पे खड़े होते हुए भी डर लग रहा है। Finally, we are at Hub River. अब डैम का हिडन पिकनिक पॉइंट जहाँ पर आज हम जो है आए, और हमारे अलावा कुछ मकामी अफराद भी आपको नज़र आएंगे जो कि यहीं पर खाना पका रहे हैं, यहीं पर ही पिकनिक मनाएंगे, यहीं पर नहाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, और ये कराची से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, बलूचिस्तान कराची के बॉर्डर के ऊपर तकरीबन है ये हब डैम के स्पिल वेज वगैरह से दूर, और बिल्कुल एक स्मूथ जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये एक झील का किनारा है। ये हब रिवर के बजाय हब लेक ज़्यादा लग रही है। इधर भी मिलेगा, घंटा डालना पड़ेगा। क्या करें सरदार भाई, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ।
काफी देर से वेट कर रहा हूँ कि सफदर भाई कोई मछली पकड़ के लेके आए, मछली काटूं पकाएं कुछ, लेकिन सफदर भाई खाली हाथ चला रहा है बिना डोर के बिना डाल के। सफदर भाई यहाँ आने के बाद एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज आपको दिखाते हैं कि 14 अगस्त की तैयारियाँ यहाँ पर भी बहुत ज़ोरों शोर से जा रही हैं, और ये पाकिस्तान का झंडा ये इसमें यहाँ पर धोया जा रहा है, जिसकी लंबाई ये बता रहे हैं कि तकरीबन 250 फीट जो है ये लंबा पाकिस्तान का झंडा, और ये हब चौकी पर लगाया जाएगा। तो 14 अगस्त के लिए इसकी तैयारियाँ जो है वो हो रही हैं, और इसको जो है यहाँ पर धोया जा रहा है। अब डैम की खूबसूरती को छोड़कर अब हम एक बार फिर अपनी वापसी के सफ़र की तरफ रवाना हैं। जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, दूर आपको पानी नज़र आ रहा होगा। अब रिवर के बाद अब हम जो है वापस अपने सफ़र पर रवाना हो चुके हैं।